देखिए जो हमारा टॉपिक चल रहा है उस पर नेक्स्ट टाइप कुछ इस तरीके के क्वेश्चन, और ये इस आइडेंटिटीज पे डिपेंड करता है जो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। इससे जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने a प्लस बी के होल स्क्वायर आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस किया था। देखो इस तरीके का क्वेश्चन बनता, कह रहा है एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू सेवन, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होगा? तो हम करते क्या है, ये जो एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इसका क्या स्क्वायर करते हैं, मतलब स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो इसका भी करेंगे, ये तो क्या बन जाएगा 49 जो 7 है, इसका क्या बनेगा, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर और माइनस टू ए बी, तो माइनस टू रह जाएगा, एक्स से एक्स कैंसिल। प्लस के केस में ये उधर जाके माइनस होता था, अब ये जो माइनस है उधर जाके इसमें ऐड हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका कितना 51। आए समझ, बस इतना इसमें देखना रहता है। देखो एक और, जैसे एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब इक्वल टू वन, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, देखो वन का तो हम जो स्क्वेयर करेंगे वो वन ही रहेगा, और इसमें माइनस टू और इधर जाके ऐड हो जाएगा सीधा सीधा, आंसर क्या हो जाएगा इसका 3। आए समझ। देखिए इसका नेक्स्ट क्या कहता है, 3x माइनस वन अपॉन टू एक्स इक्वल टू 8। देखो यहां 3 है, यहां 9 है, ये 2 है, तो ये 4 है, सीधा सीधा इसका भी स्क्वेयर हो रहा है, इसका स्क्वेयर कितना रहता है हमारा 64। इसका स्क्वेयर करेंगे, एक तो ये हिस्सा बनेगा, दूसरा बनेगा माइनस टू ए बी, माइनस टू इंटू 3x इंटू वन अपॉन टू एक्स, एक्स से एक्स जाएगा, टू से टू जाएगा, यहां क्या बच जाएगा माइनस 3, जो उधर आकर क्या हो जाएगा एड प्लस हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा 67 हो जाएगा इसका आंसर। आए समझ। ये भी सेम ही है, देखो ऐसा उसमें भी हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये प्लस है, सॉरी ये क्या हो जाएगा यहाँ प्लस हो जाएगा, तो क्या करेंगे इसके भी स्क्वेयरिंग बोथ साइड, और लास्ट में आकर के ये यहाँ माइनस 10, ये माइनस 2 बचेगा, ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा, ये माइनस 2 बचेगा, और 10 का स्क्वेयर होता है कितना 100, जो इधर जाके ऐड हो जाएगा, ये बन जाएगा 102, 102 इसका आंसर हो जाएगा। आए समझ। देखिए नेक्स्ट इस तरीका का क्वेश्चन आए कि 2x माइनस 1 बाई 3x इक्वल टू 4, फाइंड 9x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, है तो इसका स्क्वायर ही इधर, लेकिन इसमें सिर्फ एक चीज है जो सोचने वाली, यहां ये 2 है लेकिन ये क्या है 9, यहां 3 है लेकिन यहां 4 है, मतलब इसका स्क्वायर तो यहां दे रखा है, इसका स्क्वायर नीचे दे रखा है, तो हमने क्या करना, पहले इनको कन्वर्ट करना है, इनको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, जो ये हमारा 2x माइनस 1 बाई 3 है और इक्वल टू 4 है, इसको 3/2 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको भी 3/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसको जैसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x के साथ माइनस 3/2 जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारा क्या रह जाएगा यहाँ 3x, ऐसे ही इसके साथ यहाँ x है, ये माइनस 1/3x और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 3/2x, ये इससे जाएगा तो माइनस क्या रह जाएगा 1/2x, ये चेंज हो जाएगा, यहाँ 2 की जगह 3 और 3 की जगह 2 आ जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा, ये इससे जाएगा 2 पे, ये कितना बन जाएगा 6। अब जब हम इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4x स्क्वायर माइनस 2 इंटू, देखो ये 3 है, 3x माइनस मल्टीप्लाई 1/2x, ये x से x, 2 से 2, क्या बचेगा माइनस 3, इसका जो स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा 36, 36 में ये 3 ऐड हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 39। आए समझ। अब ये आपको समझ में आ गया होगा कि डिटेल में इसको कैसे चेंज करते हैं, अब देखो इसमें कर दो सीधा सीधा सीधा, आपको जब इसको चेंज करेंगे, देखो हमें क्या चाहिए, यहाँ 5 चाहिए, यहाँ 3 चाहिए और यहाँ 5, तो 3 के लिए इसको सीधा किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3/5 से, ये तो पूरा चेंज हो जाएगा, और 15 को भी करेंगे 3/5 से, तो इसका ये क्या बन जाएगा 3 3 3 जा 9। अब इसका स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे, जो 9 है उसका तो आ जाएगा 81, इसको जो करेंगे एक टर्म तो पूरी ये बन जाएगी और दूसरा बनेगा माइनस 2ab, ठीक है, 2 कितना ऊपर, ये 3x और ये क्या बन जाएगा 1/5x, देखो इस x से x जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 3 जा 6, 6/5, ये हमारा कितना रहता है 1.2, जो माइनस का रहेगा उधर जाके ऐड हो जाएगा इसमें 1.2, ये हो जाएगा 82.2। आए समझ। देखिए नेक्स्ट एक और, अगर इस तरीका से क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करेंगे, हमने सबसे पहले देखना क्या रहता, हमें ये चेक करना है कि यहाँ क्या है, क्योंकि इसमें हमें इस फॉर्म में हमें लाना है, यहाँ ये 4x स्क्वायर है, यहाँ भी 4x स्क्वायर, इट मींस हमें 2x का स्क्वायर करेंगे तो 4 बन जाएगा, और यहाँ भी 2 होगा तो 4 बन जाएगा, लेकिन यहाँ क्या है,
ये 4 है। तो ऐसे केस में इसको देखो, ये जो x माइनस वन अपॉन फोर एक्स है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 2 से, सिर्फ 2 से। तो इधर जो हमारा 4 है इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर दें, 2 से। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2x और इक्वल टू ये क्या हो जाएगा हमारा 8। अब ये पुराना वाला क्वेश्चन बन गया, अब कर देंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड। जैसे ही स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो इसका क्या बन जाएगा हमारा 64, ये तो कट ही जाएगा क्योंकि इसमें कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ क्या रह जाएगा माइनस 2, जो इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस का 2, ये हो जाएगा 66 इसका आंसर। आया समझ? देखिए एक और नेक्स्ट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ये x माइनस वन अपॉन x है, उधर x की 4 प्लस 1 वाई x की 4 है। ये सीधा 4 से तो करेंगे नहीं हम। अब देखो इसको इसकी फॉर्म में चेंज करना है तो पहले क्या करेंगे इसका स्क्वेयर। इसका जैसे ही स्क्वेयरिंग बहुत साइड करेंगे तो ये एक्स स्क्वेयर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वेयर, जो माइनस 2 है उधर जाकर ऐड हो जाएगा। ये हमारा क्या बन जाएगा 2 2 जा 4, इसका स्क्वेयर किया तो 4 किया, 4 में 2 और ऐड हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा हमारा 6। अब हमारे पास जो कंडीशन है ये आ गई एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 6। अब इसका स्क्वेयर करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। जैसे ही इसका स्क्वेयर करेंगे तो ये बनेगा एक्स रेज टू पावर 4 अपॉन प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वेयर और ये 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर तो कैंसिल, इसका क्या बन जाएगा 36। क्योंकि अब ये प्लस की फॉर्म में तो डेफिनेटली ये वाला 2 इधर जाके माइनस होगा, एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, कितना 34 इसका आंसर। आया समझ? आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि मेरे द्वारा दी हुई ये जानकारी, 2 या 3 टाइप हमने डिस्कस किए, सभी को समझ आई होंगी। समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट्स भी करेंगे। थैंक यू।